पाकिस्तान टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बाहव रियाज ने 16 अगस्त को ट्वीट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बाहव रियाज ने 2008 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। 2020 में उन्हें आखिरी बार पाकिस्तान के लिए टी20 मैच में खेलने का मौका मिला था। बाहव हाल ही के दिनों में राजनीतिक में शामिल हुए हैं। उन्हें इस साल पंजाब प्रांत का कार्यवाहक खेल मंत्री बनाया गया था। इसी साल पाकिस्तान सुपर लीग के प्रदर्शनी मैच में 38 साल के बाहव रियाज को इफ्तिकार अहमद ने ओवर में 6 छक्के मारे थे। बाहव रियाज इसमें उन्होंने कहा, मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी संन्यास योजनाओं के बारे में बोल रहा हूँ कि 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का मेरा लक्ष्य है। मैं अब पहले से कहीं अधिक सहज महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने देश और राष्ट्र टीमों की पूरी सेवा की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना सम्मान और सौभाग्य की बात रही है। इसके साथ ही मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक नई शुरुआत के लिए रोमांचित हूँ, जहाँ मुझे दुनिया के कुछ दर्शकों का मनोरंजन करने और प्रतीत करने का उम्मीद है। बाहव रियाज का वनडे में बेस्ट प्रदर्शन भारत के खिलाफ ही रहा है। 2011 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 46 रन देकर भारत के 5 विकेट लिए थे। इसमें वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह और MS धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे। उस टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे युवा को बाहव ने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया था। इसी के साथ ही 2015 वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन के खिलाफ उन्होंने स्पेल को क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पेल में गिना जाता है। वर्ल्ड कप 2015 में बाहव रियाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का सबसे शानदार स्पेल में से एक फेंका था। बाहव के इस स्पेल में कई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शिकार बने थे, लेकिन वॉटसन के लिए बाहव रियाज का ये स्पेल काल साबित हुआ। बाहव ने अपने इस स्पेल में सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को अपना शिकार बनाया। इसके माइकल क्लार्क को उन्होंने चलता किया। बाहव ने अपने इस स्पेल में से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को अपना शिकार बनाया। इसके माइकल क्लार्क को उन्होंने चलता किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर से बैटिंग के लिए उतरे शेन वॉटसन पर बाहव रियाज ने बाउंसर की बरसात कर दी। इस दौरान बाहव वॉटसन को स्लैंज भी करते जा रहे थे। बाहव रियाज के शानदार बाउंसर का शेन वॉटसन के पास कोई जवाब नहीं था और वो बाहव को खेलते हुए वॉटसन बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे थे। बाहव ने अपने स्पेल में बाउंसर से वॉटसन को पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ था। बाहव रियाज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 83 वनडे में 120 और टी20 इंटरनेशनल मैच में 34 विकेट चटकाए। बाहव ने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच दिसंबर 2020 में खेला था। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बाबा क्रिकेट अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।